आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएससी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बायोलॉजी के ऊपर। आज इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि बायोलॉजी को लेके बिहार बोर्ड ने क्या गाइडलाइंस जारी कर रखा है। इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि बायोलॉजी का क्या मॉडल पेपर है और साथ ही साथ कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के उत्तर भी बताएंगे और उसके साथ कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि VBI प्रश्नों का भी लिस्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बिहार डेलीगेशन। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ है, रेड कलर की चार्ट आ रही है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी आती है, उससे भी आप क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो आए तो उसे आप सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू कर दोस्तों अब आप हमारे वेबसाइट के स्क्रीन पे आ चुके हैं जहां से हम आपको एक एक करके जो बिहार बोर्ड का बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट है उसके बारे में एक एक करके जानकारी देने जा रहा हूं। ये 12th क्लास के लिए जानकारी होगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बायोलॉजी का पेपर कौन से दिन है। तो आपको आपने अपना डेट शीट देख ही लिया होगा, आपको पता लग ही गया आपका जो एग्जाम है वो है 6/2/2019 को पहली पारी में 9:30 से लेके 12:45 के बीच वाले पारी में। तो ये आपको पहले से पता होगा ही। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे अक्सर आपका सवाल आता है कि सर हमारा इस विषय का मॉडल पेपर कैसा होगा, कितने प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, कितने सब्जेक्टिव, ये सब वैसे आपको पता लग गया होगा। और जिन बच्चों को नहीं पता है तो उनके लिए हमने यहाँ पे मॉडल सेट जो है लेटेस्ट मॉडल सेट है ये बिहार बोर्ड ने ही जारी किया है। ये देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2019 एनुअल मॉडल सेट बायोलॉजी। तो ये आपका जो है बिहार बोर्ड का जारी किया हुआ ही है और ये आप इसमें सारी डिटेल दी गई है कि आपके कितने प्रश्न ऑब्जेक्टिव आएंगे, कितने सब्जेक्टिव, जैसे देखिए 35 जो प्रश्न होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे। तो आपकी जो दुविधाएं वो दूर हो चुकी है। देखिए यहाँ पे 18 जो है वो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जिनके लिए 2 अंक निर्धारित होंगे, यानी कि 2-2 अंक के जो प्रश्न होंगे 18 होंगे। उसके अलावा जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे वो होंगे आपके 6, यहाँ पे देख पा रहे होंगे 6 होंगे और एक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। तो ये सब चीजें आपने देख ही लिया। अब आप अगर चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे आपका लिंक दिया हुआ है। आप घबराइएगा नहीं, आपको ये लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए आगे और क्या है मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। ये जो मॉडल पेपर आप देख पाएंगे ये होगा अनसॉल्व, यानी कि ये मॉडल पेपर सॉल्व नहीं होगा। तो आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि सर हमें कुछ मॉडल पेपर ऐसे भी चाहिए जो कि सॉल्व हो, या कुछ VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का लिस्ट चाहिए जो कि आपके एग्जाम में मदद कर सके। तो ये देखिए ये हमने आपके लिए तैयार कर रखा है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये कुछ, बिल्कुल ये जैसे बिहार बोर्ड का मॉडल है उसी हिसाब से हमने भी इसे तैयार किया है या कोर्सेज किया तैयार करने की। तो ये तमाम तरह के ऑब्जेक्टिव सवाल जैसे कि निम्नांकित में से कौन सा मिथ्या फल है, सेब, आम, इस तरह से जो भी प्रश्न है एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका जो उत्तर है वो सबसे आखिरी पेज पे होगा। देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए ये ऊपर जो प्रश्न ऑब्जेक्टिव जितने भी है उसका उत्तर है। तो आप इसे भी, ये आपका लिंक दिया होगा, यहां से आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप पहले कीजिएगा तो इसको पहले आप उत्तर मत देखिएगा, पहले आप खुद सेट मार के देखिएगा आपके कितने सही होते हैं कितने गलत होते हैं, ये आपको अंदाजा लग जाएगा, फिर आप उसी हिसाब से तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए अब वीडियो में हम आगे बात कर लेते हैं आगे बायोलॉजी वालों के लिए क्या और कुछ है। देखिए अब आप डिमांड करेंगे सर कुछ VBI प्रश्न चाहिए जो कि दीर्घ उत्तरीय या लघु उत्तरीय हो, यानी कि शॉर्ट प्रश्न और लॉन्ग प्रश्न जो होते हैं 2 नंबर और 5 वाले VBI प्रश्न की काफी आप लोगों की रिक्वायरमेंट थी। तो उस हिसाब से हमने VBI प्रश्न का भी
एक लिस्ट लाया है जिसे कि भी आप ये जो लिंक दिया हुआ है यहाँ से आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको कुछ वीवीआई प्रश्नों को दिखा देते हैं। जैसे आपका वीवीआई प्रश्न, पहला वीवीआई प्रश्न देख लीजिए, अलैंगिक जनन क्या है, जीवों में विभिन्न प्रकार के अलैंगिक जनन की संक्षिप्त विवरण दे। अगला प्रश्न है, एक परिपक्व ग्राफिक ग्राफियन पुटक और स्वच्छ समुचित एवं निमांकित का चित्र बनाएं। इसी तरह से अगला प्रश्न है, मानव के अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाएं। इस तरह से जो भी वीवीआई प्रश्न है, ये आपके टोटल 40 प्रश्नों का संग्रह है। यहाँ से देखिए 1 से लेकर 17, 18, 19, 20, 1 से लेकर 25 तक के तो यहाँ पे है। उसके अलावा यहाँ पे आप अगर आते हैं तो बाकी जो प्रश्न है वहाँ यहाँ पे आपको बाकी प्रश्न मिल जाएंगे, यानी कि 40 तक के प्रश्न। यहाँ पे 40 प्रश्न दिए हुए आपके लघु उत्तरीय शॉर्ट टर्म, उसी हिसाब से आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी दिए गए यहाँ पे 9-10, जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे निषेचन से आपका क्या अभिप्राय है, एक पुष्पीय पौधे के निषेचन प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करे, मानव शुक्राणु का एक स्वच्छ समुचित एवं निमांकित आरेख बनाए, इनमें से विभिन्न अवयवों के कार्यों को लिखे। तो इस तरह से जो भी वीवीआई प्रश्न है जो कि आने की काफी ज्यादा चांसेस है, उसका भी लिस्ट हमने आपके लिए डाल दिया। अब काफी बच्चों का रिक्वायरमेंट आता है कि सर हमें कुछ टिप्स दीजिए या ट्रिक्स दीजिए, तो उसके लिए हमने ये नोट्स तैयार किया है, आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ। जैसा कि हमारा मानना है, हम जो आपको टिप्स देना चाहेंगे वो ये है कि सफल होने के लिए कोई ट्रिक नहीं होता, इसे आप अपनी लगन और मेहनत से हासिल कर सकते हैं। हाँ, आप ट्रिक के जरिए एग्जाम जरूर पास कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, आपका एग्जाम में 40% का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा, वो भी बिना नेगेटिव मार्क्स का, यानी कि आप सभी प्रश्नों को बिना जाने भी अगर जवाब देते हैं तो कम से कम 20-22% नंबर आपके आ जाएंगे, और बाकी 8-10 लघु उत्तरीय प्रश्न एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और प्रैक्टिकल के एग्जाम से आसानी से हासिल कर लेंगे। लेकिन कभी एक एग्जाम को ट्रिक के जरिए क्रैक करने से आप खुद को सफल मत समझिए। मेहनत करिए, अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। यानी कि आप ये समझिए कि आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो उसे आप ट्रिक से नहीं कर सकते, आपको मेहनत करनी है, आपको दिल लगा के पढ़ाई करना है या और भी कुछ करना है, जो भी काम करना है वो दिल लगा के करना है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आप किसी और सब्जेक्ट का इसी प्रकार का अगर वीडियो चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट में हमें बताएं कौन सा सब्जेक्ट का इसी तरह का नोट्स चाहिए, तो वो भी हम आपके लिए प्रोवाइड करा देंगे। तब तक मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इन लिंकों पे क्लिक करके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो आज के लिए इतना ही। बिहार डेलीगेशन से चंदन।